तो ही गाइस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग असाटी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम कक्षा 12वीं हिंदी आरोह काव्य खंड में अध्याय 2 पतंग जिसके लेखक कौन है आलोक धनवा उसके क्या अपन दोस्तों महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, मतलब MCQ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्याय 2 पतंग के, उसके अपन क्या है सभी कवर कर लेंगे जो आपके क्या है पेपर में आने वाले हैं। ओके दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आप इसके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी आप क्या है कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों तो चलिए क्रम से देखते हैं अपन। ओके तो वीडियो को ध्यान से और बड़ी ध्यान से आपको देखना है जिससे आप क्या है एक एक क्वेश्चन को क्या तैयार कर सकें। तो सबसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता ही रहना चाहिए कि जिस भी आप कविता को पढ़े आपको पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पतंग कविता के कवि हैं तो कौन है दोस्तों, इसका मैंने आपको सूरी बता दिया तो आलोक धनवा इसका आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख ले तो नेक्स्ट है आपका कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, इसका राइट आंसर घ नंबर का आपका भादो इसका आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है तो खरगोश की आंखों जैसा आपका राइट आंसर हो जाए तो खरगोश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो इस पार्ट से पतंग अध्याय से जो भी MCQ आएगा वो मैं गारंटी लेता हूँ आप क्या है पेपर में 100% सही करके आएंगे अगर आप इसको वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा और मैं वीडियो में कहीं भी बता दूंगा कि आपको उसकी PDF कैसे प्राप्त करनी है। ओके दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए चौथा है कि पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शरद इसका ऋतु आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते तो पांचवा आपका आ जाता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए में अलंकार है, शरद आया पुलों को पार करते हुए में अलंकार तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मानवीकरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते तो नेक्स्ट है आपका कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज है तो कौन है, इसका राइट आंसर होगा पतंग। ओके पतंग क्या है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज है कवि के अनुसार। ओके नेक्स्ट है आपका सातवां क्वेश्चन शरद क्या चलाते हुए आता है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसका साइकिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख रहे तो आठवां अपना आ जाता है कि शरद क्या बजा रहा है तो क्या बजा रहा है तो उसका राइट आंसर होगा घंटी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते नेक्स्ट है आपका शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है तो कैसे इशारों से बुलाता है तो चमकीले इशारों से बुलाता है तो चमकीले इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भादो किस का प्रतीक है तो भादो किसका प्रतीक है अंधकार का इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया क्योंकि आपके लिए अनुराग असाटी क्लासेस लगातार मेहनत करेगा हो दोस्तों इसलिए आप क्या है लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्रोत्साहन करिएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन शरद किसका प्रतीक है तो शरद किसका प्रतीक है प्रकाश का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन कपास किस की प्रतीक है तो कपास कीजिए कोमलता की इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13वां क्वेश्चन पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं तो बेसुध होकर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट आपका उन बच्चों का बेग किस की तरह लचीला है तो इसका राइट आंसर होगा डाल की तरह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन तो है मृदंग क्या है तो मृदंग क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लंबी ढोलक को क्या कहते हैं मृदंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका आलोक धनवा का जन्म किस सन में हुआ तो किस सन में हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका दूसरे नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन है आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ तो क्या हुआ मुंगेर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंगेर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ में जिससे आपको क्या है कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में आपको क्या है बनना चाहिए। ओके इस वीडियो को देखने के बाद इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो में ध्यान देखते ही देखते आपको सभी याद हो जाएंगे बस आपको वीडियो को आराम से देखना है। नेक्स्ट आपका आलोक धनवा को सम्मान मिला तो कौन सा सम्मान मिला ओके दोस्तों तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया है तो इसका राइट आंसर होगा आपका कानामर का जमशेदपुर में। नेक्स्ट आपका 20वां नंबर छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं तो क्या बच जाते हैं इसका राइट आंसर निडर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं इसी आशय है तो क्या आशय है कि इसका राइट आंसर आपका गा नंबर का आकाश छू लेने का एहसास होना।
चलिए नेक्स्ट देख ले, तो नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन है, शरद की साइकिल कैसी है, तो कैसी है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका चमकीली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश को मुलायम बनाने से आशय है, तो कैसा आशय है, तो उसका राइट आंसर होगा स्वच्छ और सहज। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे इसकी पीडीएफ देखना है और कैसे आपके है हर बार आपको वीडियो ना खोलने पड़े। ओके, इसका भी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, इसलिए आपके है वीडियो को अंदर देखते रहिएगा। नेक्स्ट आपका 24वां क्वेश्चन, बच्चों के रोमांचक शरीर का संगीत क्या करता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका गिरने से उन्हें क्या बचाता है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें क्या करती हैं, तो उन्हें क्या करती हैं, इसका राइट आंसर होगा थाम लेती हैं। ओके, चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 26वां है, बच्चे किन के साथ उड़ रहे हैं, तो किनके साथ उड़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पतंगों के साथ। ओके, तो पतंगों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है, तो किसका है ना, तो गिरने का भय है, आपको पता है कि छतों के किनारे से किसका भय है, तो गिरने का भय है। चलिए नेक्स्ट है कि पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए है, तो किसके लिए है, इशारों के लिए, तो इशारों के लिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं, तो किसके सहारे उड़ रहे हैं, तो उसका राइट आंसर कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन अपडेट तुरंत ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसलिए आप क्या है ज्वाइन करें जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लिंक के माध्यम से नहीं खुल रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, अनुराग सारी क्लास सर्च करिए और अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए। ओके, इंस्टाग्राम पर भी आप क्या है फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, और अगर आप क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश इनके नोट्स लेना चाहते हैं साल भर के, ओके दोस्तों, तो आपको 149 रुपये में अनुराग साठी क्लासेस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप की क्या है नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 30वां क्वेश्चन है, पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है, तो किसकी कोमलता का, देख चुके हैं एक बार क्वेश्चन, ये वैसे भी रिपीट हो जाते हैं। ओके, एक आध बार टाइप है। नेक्स्ट है आपका 31वां क्वेश्चन, पतंग उड़ाने वाले बच्चे इशारों को किसके समय बजाते हैं, तो किसके मृदंग के समान, क्या किसके समान बजाते हैं, तो मृदंग के समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32वां, पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है, तो किसके पास, बच्चों के साथ। ओके, नेक्स्ट है आपका, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है, तो शरद ऋतु इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं, तो क्या है, रंधों के सहारे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पतंग कविता में लाल सबेरा को कैसा कहा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कैसा कहा गया, इसका राइट आंसर खरगोश की आंख जैसा, ये आता भी है, मतलब दो नंबर में भी आ सकता है, याद कर लीजिए, पतंग कविता में लाल सबेरा को क्या है, खरगोश की आंखों जैसा कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया की सबसे हल्की और लंबी चीज कैसे है, तो ये पतंग को, ये भी आप देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, बांस की सबसे पतली कमानी क्या है, तो क्या है, पतंग। नेक्स्ट है आपका, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोमलता का। नेक्स्ट है आपका, दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं, तो सितार की तरह, तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं। टॉप मैंने आपको कहा है क्या है, आपको 38 क्वेश्चन बता दिए हैं, 38-39 क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं आपको कैसे इसको पीडीएफ देखना है। ओके, तो पीडीएफ देख के जरूर जाइएगा। तो मित्रों, आपको क्या है पीडीएफ को देखने के लिए, पूरा मैटर को देखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमेशा वीडियो में बार बार आपको ना जाना पड़े, सीधे जाइए गूगल पर जाइए, अनुराग साठी आपको क्लासेस को सर्च कर लेना, अपने चैनल का नाम, सबसे पहले वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट को आपको क्लिक करना है, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए अभी मैं से डाल दिया पतंग का, वैसे आप देख रहे हैं तो आपको मेन मेन्यू आगे आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा, बटन देखने को मिल जाएगा मेन मेन्यू का, आप देख सकते हैं मेन मेन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एमपी बोर्ड ब्लू प्रिंट 2023 जो जारी हुआ, वो भी आपको इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा खुल जाएगा, और नीचे आपको डाउनलोड बटन हो जाएगा, तो ब्लू प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको हिंदी नोट चाहिए तो क्लास 12th हिंदी नोट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा ही आप दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने क्या है इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आप नीचे जाइए तो देखिए इस प्रकार से पूरा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये पूरे चैप्टर दिए हुए हैं, जितने मैं आप अपलोड करता जाऊंगा वहाँ क्लिक हेयर का बटन आ जाएगा, देखिए आप ऊपर चेक मैंने वीडियो भी डाल दिया है और यहाँ आप क्लिक करके देख भी सकते हैं, पतंग का भी आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, पतंग में कर दिया है क्लिक हेयर पर, देखिए यहाँ पूरा आपको पीडीएफ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आराम से जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए पूरा दिया हुआ है, तो देखिए क्रम से जो मैंने आपको दिया है तो यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए पूरा दिया हुआ, तो जाइए आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, जो भी आपको ना नोट भी कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को आप बार बार नहीं देखना पड़े, तो देखिए पूरे इस प्रकार से दिए हुए। ओके, तो इस प्रकार से आप जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके दीजिएगा। ओके दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।